बिलासपुर में आज हत्याकांड कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें जो पूरे देश में चर्चित श्रद्धा मर्डर केस में नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी आफताब पूनावाला ने कई महत्वपूर्ण राज खोले हैं। वहीं अब इस मामले में आरोपी आफताब पर पुलिस का शिकंजा और भी मजबूती से कसता जा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर अब पूरे देश में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के स्वर उठने लगे हैं। वहीं श्रद्धा को इंसाफ दिलाने छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर के क्षेत्रीय पार्टी ऑफिस से लेकर पुराना बस स्टैंड चौक से होते हुए सीएमडी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में युवाओं को साथ लेकर कैंडल मार्च शहर के सबसे मुख्य मार्केट गुजरी। इस दौरान श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के नारे भी लगते रहे। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने कैंडल मार्च का नेतृत्व किया। मीडिया से बात करते हुए एनसीपी प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने कहा कि आज पूरे देश में उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक सुर में आवाज उठ रही है और देश की न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ देकर आरोपी के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी देश की बेटी के साथ ऐसी विभत्स घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचे। आज हम लोग सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ ताकि स्वर्गीय श्रद्धा जी को श्रद्धांजलि दे सकें, साथ ही साथ उनके परिवार वालों को सहानुभूति प्रदान कर सकें। हम सब महिलाएं, साथ ही साथ ये पूरा प्रदेश, पूरा इंडिया यही चाहता है कि जो भी ऐसी घटना हुई है वो दोबारा ना हो और जो भी उसका आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस यही हम लोग चाहते हैं और हमारी सारी महिलाएँ खास करके यही चाहती। मैं अलीशा बेगम, NCP बिलासपुर। रैली जो हम कैंडल मार्च निकाले, ये श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी को कठोर से कठोर दिलाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नीरज विश्वास और उनके पूरे जिले और शहर के जो बॉडी हैं और कार्यकर्ता हैं और बिलासपुर की जनता ये मांग कर रही है जो श्रद्धा के हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सज़ा मिले, और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको फांसी की सज़ा नहीं मिलती है तो आप समझिए आज श्रद्धा के घर में हुआ है, कल आपके और हमारे घर में भी यही घटित हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ और कठोर सजा नहीं मिले तो घोर आंदोलन होगा और हम सरकार से निवेदन करते हैं और न्याय पे भी हमारी भरोसा है। तब भी मैं आश्वस्त हूँ कि उनको फांसी की सज़ा अवश्य मिलेगा और निवेदन करता हूँ सभी महामहिमों और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जो श्रद्धा की जो आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा अवश्य दें और जल्द से जल्द देने की कृपा करें और देशवासियों को विश्वास जीतने की कृपा करें। अपना परिचय दें। नीलेश विश्वास, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।